नमस्कार मामा बच्चा में आप सबका स्वागत है। बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है, 2-3 दिन हो गए इसलिए अभी तक उसने पॉटी नहीं की है, या पॉटी करने को हो रहा है जब बच्चा तो बहुत ज्यादा रो रहा है, बच्चे की जो पॉटी बहुत ज्यादा हार्ड है, इस टाइप की क्वेरी मतलब आए दिन हमें आ रही है। स्पेशली उन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है जो कि सॉलिड्स ले रहे हैं। मुझे याद है जब मैं पुणे में थी अपने ऑफिस के काम के लिए, तो 1 महीने थी मैं वहां पर, तो उस टाइम पे नन्नू मुझे याद है 15 महीने करीब की थी। उस टाइम पे उसे फर्स्ट टाइम मतलब ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, पॉटी करने में बहुत ज़्यादा रोती थी और बहुत ज़्यादा हार्ड मोशन, थोड़ी मोड़ी निकलती थी, मतलब थोड़ी मोड़ी ही करती थी, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती थी, कलर भी उसका ब्राउन टाइप का था। तो उस टाइम पे मैं नन्नू को डॉक्टर के यहाँ पर लेकर गई, तो डॉक्टर ने हमें क्या क्या टिप्स बताए फॉलो करने के लिए वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। जो लास्ट टिप मैं आज बताने वाली हूँ वो उस अगर टिप को आप फॉलो करेंगे तो 10 मिनट में बच्चे का जो है, अगर पॉटी नहीं कर रहा है 2-3 दिन से बच्चा, तो वो आराम से 10 मिनट में कर लेगा। लेकिन आपको उस टिप को तभी फॉलो करना है जब बाकी की जो मैं ऊपर की टिप्स बताऊंगी वो अगर काम नहीं कर रही है, तो ही आपको लास्ट टिप फॉलो करनी है। तो फटाफट हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे और भी ऐसी बेबी रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए फटाफट हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही बच्चे को हम सॉलिड देने लग जाते हैं उसके बाद हार्ड मोशन होना बहुत ही कॉमन होता है, मतलब जनरली 80% बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। इसका रीजन क्या होता है कि अभी बच्चा छोटा है, उसके ऑर्गन्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं है अभी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिल अभी भी वो बन रहा है, उस टाइम पे वो सीख रहा है कि फूड को कैसे प्रोसेस करना है। अब इस टाइम पे आप बच्चे को एकदम से सॉलिड देने स्टार्ट कर जाते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे केसेस आते ही हैं। कई बार बच्चों में लूज मोशन होते हैं, तो कई बार हार्ड मोशन होने लगते हैं, कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है बेबी, तो ये बहुत ही कॉमन है। अब इसके लिए सबसे पहली टिप जो हमें डॉक्टर ने बताई थी वो ये थी कि आप डाइट में चेंज करो, मतलब कि जो आलू होता है, चावल होते हैं, ये सब चीजों को मत दो, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन करता है जिसकी वजह से बच्चे का जो स्टूल है, पॉटी है, वो हार्ड होगी। तो इसके लिए आप क्या करो, कुछ ऐसी चीजों को दो बच्चे को खाने में जो कि फाइबर रिच हो, फ्रूट्स हो, बच्चे को पानी दो ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि जो ये लाइट फूड होता है ये उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चे का बहुत अच्छे से इसको प्रोसेस कर पाए। तो इसके लिए अगर बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस टाइम पे एप्पल दीजिए, बच्चे को पियर दीजिए, नाशपाती जो होता है इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, और बच्चे को पपाया दीजिए, पपाया भी बहुत ज्यादा फायदा करता है अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है या ऐसी हार्ड मोशन की प्रॉब्लम हो रही है, और बच्चे को पानी ज्यादा से ज्यादा दीजिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो ये फ्रूट्स है तो आप कोशिश करिएगा फ्रूट्स का जूस मत दीजिए, प्यूरी दीजिए, क्योंकि अगर आप बच्चे को प्यूरी देंगे तो बच्चा फाइबर भी लेगा, बच्चा फाइबर खाएगा तो जो कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करेगा फूड को प्रोसेस करने में। तो जूस वगैरह मत दीजिएगा। नॉर्मली भी हमें 6 महीने से बड़े बच्चे को प्यूरी फॉर्म में ही खाना देना चाहिए, मतलब फ्रूट्स हैं जो स्पेशली वो प्यूरी के फॉर्म में ही देना चाहिए, जूस मत दीजिएगा, क्योंकि फाइबर ही होते हैं जो कि बच्चे की बॉडी को चाहिए होते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि डाइट चेंज करिए, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब दूसरी चीज इसी का ऑपोजिट ये है कि अब देखो बच्चे को तो पॉटी हो नहीं रही है, ऊपर से बच्चा ऑलरेडी चिड़चिड़ा है, इतना ज्यादा चिड़चिड़ कर रहा है, अब हम उसको ऊपर से ये बोले कि बेटे को ये खिला दे वो खिला दे तो बच्चा खाएगा नहीं, पहली चीज तो ये है। तो उसकी डाइट में एकदम से चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे ऑलरेडी रो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या करते हैं, स्टूल सॉफ्टनर सिरप आती है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आपको मतलब नन्नू के साथ भी यही हुआ था, हम डाइट में तो चेंज कर ही रहे थे 2-4 दिन से, उसको हम ऐसा एप्पल वगैरह दे ही रहे थे, बट साथ में हमने जो हमें डॉक्टर ने स्टूल सॉफ्टनर प्रिस्क्राइब की थी वो भी हम दे रहे थे। तो अगर आपके इनकेस ऐसी बच्चे की प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, और स्टूल सॉफ्टनर बच्चे को डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। स्टूल सॉफ्टनर क्या होता है, एक सिरप होती है, इसको हम रात में देंगे बच्चे को, रात में पीने के बाद बच्चे का जो पूरी रात भर वो दवाई का असर रहता है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चा आराम से बहुत अच्छे से पॉटी कर लेता है, मतलब अगर 2-3 दिन से भी नहीं किया है बच्चा, बट उसका प्रेशर अच्छे से बन जाएगा और अच्छे से कर लेगा, और जो एक्चुअली क्या करता है, स्टूल को सॉफ्ट कर देता है। तो जो हार्ड स्टूल था, बच्चे को जो प्रॉब्लम हो रही थी पॉटी करने में, अब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज तो ये, तीसरी चीज होता क्या है, बच्चे को बहुत दिन से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, 2-3 दिन हो गए हैं, तो कई बार क्या होता है बच्चे को पॉटी करते वक्त जो पॉटी करने वाली जगह है वहां पर रैशेस पड़ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चा पॉटी भी कर रहा है, रोता भी है, और साथ में ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो उन रैशेस को सही करने के लिए आपको डॉक्टर एक स्पेशली कुछ ऐसी ट्यूब्स आते हैं, क्रीम आती है जो कि हमें वहीं इंजेक्ट करनी होती है, तो उससे जो पॉटी करने वाली जगह का जगह है उसमें काफी अच्छा लगेगा बच्चे को, रैशेस नहीं पड़ेंगे और उसको पेन भी नहीं होगा।
रैशेस के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, जो होम रेमेडी जो हमने अपनाई थी, क्या करिए, एक टब लीजिए, टब में गुनगुना पानी लीजिए, उसके बाद बच्चे को आप उसमें बिठा दीजिए। उससे क्या होगा, जो भी उसका नीचे का हिस्सा जहाँ पर रैशेस है, पेन हो रहा है, उससे काफी रिलीफ मिलेगा बच्चे को। हमारे डॉक्टर ने हमसे बोला था ये करने के लिए और हमने किया था, वाकई नन्नू को रिलीफ मिला था। तो ये आप ऐसे 5-5 मिनट के लिए बैठाइए, दिन में 2-3 बार भी करिए तो सही रहेगा। जैसे अभी ठंडी पड़ रही है, ठंड में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप दोपहर को बच्चे को बैठा दीजिए, एक बार भी कर लीजिए, लेकिन बच्चे को इससे जरूर रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, जो कि आपको तभी फॉलो करना है जब आपके बाकी की जो ऑप्शन मैंने बताए हैं, टिप्स बताई, ये काम नहीं कर रही है। मतलब अगर बच्चे को आपने स्टूल सॉफ्टनर दे दिया है, उसके बावजूद भी उसके मोशन लूज नहीं हो रहे हैं, उसको सही से पॉटी नहीं जा रहा है, तो ही आपको ये फॉलो करना है। क्या होता है, मार्केट में ग्लिसरीन सपोजिटरीज आती है, जो कि बच्चे को जब हार्ट मोशन होते हैं तब लगाया जाता है। इसे मुंह में नहीं देना होता है बच्चे के। उसको क्या करना होता है, बच्चे के जो पॉटी वाली जगह है उस रास्ते पे उसे ऐसे अपने हाथ से उसे डालना होता है। इसके बाद क्या होगा, वो एक्चुअली वैक्स टाइप का होता है, ग्लिसरीन का बना होता है। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही हम उसको इंजेक्ट करते हैं बच्चे के बैक पे, उसके बाद वो मेल्ट होने लगता है। जो भी स्टूल हार्ड हो रहा है, पॉटी हार्ड हो रही है, वो मेल्ट होता है, साथ में वो जो पॉटी है वो भी सॉफ्ट हो जाती है। इससे बच्चा 10 मिनट में पॉटी कर लेता है। मतलब हमें भी ये करना पड़ा था एक आध बार, डॉक्टर ने बोला था, डॉक्टर भी करते हैं कई बार। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो भी करते हैं इस चीज को। इस चीज को भी आप अपना सकते हैं, या आपको डर लग रहा है पहले आप डॉक्टर से जरूर पूछिएगा, उस अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या करना है आगे। तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, फटाफट इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।